मैं बना रही हूँ सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही लाजवाब रेसिपी, जिसके लिए मैंने ली कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच घी और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मावा का इस्तेमाल करा है। ये मेरे घर के बने हुए मावा है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर डली हुई है। और बहुत ही आराम से आप घर में दूध से मावा बना सकते हो। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें ऐड करना है थोड़ा सा केसर। केसर में मैंने पहले ही थोड़ा सा पानी डाल के और भिजो के रखा था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैं केसर ऐड करूँगी और इस मावे की सिकाई करूँगी। यहाँ पे मैंने मावे को पहले 2 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पे सेका है। ऐसा करने से ये पेड़े की लाइफ बढ़ जाती है और इसे 15 दिन तक आप आराम से स्टोर करके खा सकते हो। उसके बाद जब ये बहुत अच्छे से सिक जाए तो 500 ग्राम मावे के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है 140 ग्राम चीनी। यहाँ पे आप चाहो तो चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 बार करके और चीनी को ऐड करा है। यहाँ पे पहली बार जब मैंने चीनी डाला है तो मैंने उसे पिघलने दिया है और उसके बाद वापस से मैंने चीनी ऐड करा है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे लो और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे बहुत अच्छे से सेका है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक इसे सेकने में लग जाती है और जब ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगे तो लगभग ये मिक्सचर रेडी हो जाती है। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा और थिक करूँगी। थिक करने के बाद मैं गैस को बंद करूँगी और गैस बंद करने के बाद इसे नीचे उतारना है और इसे आधे मिनट तक चलाते हुए और पूरी कढ़ाई पे बहुत अच्छे से फैला देना है। यहाँ पे इसे ठंडा होने में आधे घंटे लग जाता है और आधे घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसे फैला के रखना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो मैंने इसे कढ़ाई में कैसे फैलाया है। और आधे घंटे छोड़ने के बाद इसे इकट्ठे कर लेना है और उस टाइम ये बहुत हार्ड हो जाती है। आप देख सकते हो ये काफ़ी हार्ड हो चुके हैं। अब इसके छोटे छोटे पोर्शन लेके जितना बड़ा आपको पेड़ा बनाना है उतना बड़ा इसकी मिक्सचर लेके और इसका गोल करना है और हल्का सा प्रेस कर देना है। उसके बाद मैंने इस पे हल्का सा फोक चलाया है और इसे डिज़ाइन बनाया। आप देख सकते हो ये पेड़ा देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये बना भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।